हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबका भाई मुबारक राही। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये, कल शाम का क्लास रेडी था, तैयार था, चालू करने वाले थे, लेकिन बार बार हमने कोशिश की जो चालू नहीं हुआ, और के कोशिश करने के बावजूद भी मतलब ऑनलाइन नहीं हो सका। अब इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम था या फिर मोबाइल की गड़बड़ी, ये हम नहीं कह सकते। तकरीबन कई बार ट्राई किया हमने, नहीं हुआ। इसके लिए हम आप सभी हजरात से माफ़ी चाहते हैं। और ठीक है, जुड़िए जल्दी से। आप आज पढ़ेंगे उर्दू में मुतरजिम, उर्दू मुतरजिम वालों के लिए, रियासती ज़बान उर्दू वालों के लिए यानी राज्य भाषा वालों के लिए, और उर्दू ट्रांसलेटर वालों के लिए। यह सवान हयात है इमदाद इमाम असर साहब का, जो नसरी तसानीफ़कार है, जिसके नसरी तसानीफ मशहूर है, और तो ये बिहार के रहने वाले हैं। इनके बारे में आज आप पढ़ेंगे मारूदी सवालात और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे आज आप इसके बारे में। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने दोस्तों हमारी तमाम वीडियोस को नहीं देखा है, यानी कि वो वीडियोस जो तैयार हो चुके हैं, जो अपलोड हो चुका है, या ये कह लीजिए दोस्तों कि जो वीडियोस हमने PDF की शक्ल में तैयार कर दिया है, और जिस वीडियो का दोस्तों आप लोगों ने देखा भी है, क्लास भी किया है, वो तमाम उर्दू ग्रामर की तमाम कवायद मौजूद है, प्ले लिस्ट में जा कर के वो देख सकते हैं, GK देख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप जो है कि इल्म उरूज, इल्म बलागत, शहरी असलाहत, इसे भी देख सकते हैं। और दोस्तों सवान हयात चालू है, बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, इससे भी आप इस्तफादा उठा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए खैर शुरू करते हैं। कुछ लोग जुड़े हैं जिनका हम इस्तकबाल करते हैं। इस्मत परवीन, वालेकुम अस्सलाम। और मुख्तार नौखेस अख्तर, वालेकुम अस्सलाम। और नासरीन परवीन और असदुल्ला, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों चलिए, अगर आप लोग नए हैं, और ख़ासकर मैं असदुल्ला से कहूँ और आप लोगों से भी कहता हूँ, जल्दी से इस चैनल के लिंक को कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि जो लोग बेखबर हैं वो जुड़ जाएँ। ठीक है, तो चलिए कुछ लोग जुड़े हैं, लेकिन फिर भी सभी से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जुड़ें, कोशिश करें, और दोस्तों लाइक करना ना भूलें और मेहनत से पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को जुड़ने के लिए। आप सभी के सामने पहला सवाल, तबीयत ख़राब है सभी को मालूम है, तो जल्दी करते हैं। आज सवाल भी थोड़ा सा ही है, बस आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है। पूछा गया दोस्तों सवाल नंबर 1 में, इमदाद इमाम असर का सही नाम क्या है, ये आप बताने की कोशिश करें। ठीक है, ऑप्शन ए मोहम्मद इमदाद, और ऑप्शन बी इमदाद अली, और ऑप्शन सी और इमदाद इमाम, और सैयद डी इमदाद इमाम असर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप लोगों ने जवाब देना है। ये कौन साहब है जो टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर आप लोगों को देना है। कुछ लोगों ने सी दिया है और कुछ लोगों का जवाब कुछ है, और ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, इनका असल नाम क्या था, ऑप्शन आप सभी को मालूम है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों। क्या है, इमदाद इमाम, यानी कि इमदाद इमाम असर जो हम बोलते हैं, तो ये इमदाद इमाम असर का असल नाम था इमदाद इमाम। ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों। चलिए सवाल नंबर दोस्तों 2 की तरफ बढ़ते हुए, और आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर इमदाद इमाम असर कहाँ पैदा हुए हैं, जाए पैदाइश बताना है। ऑप्शन ए 17 अगस्त, सॉरी ये कहाँ की नहीं, यहाँ कब पैदा हुए ये लिखना था इसमें। चलिए ये कब लिखिए, इमदाद इमाम असर कब पैदा हुए, यानी ऑप्शन ए 17 अगस्त 1845, ऑप्शन बी 17 अगस्त 1847, और ऑप्शन सी 17 अगस्त 1749, और ऑप्शन डी 17 अगस्त 1751। तो भी दोस्तों यहाँ भी ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त है, ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों, यानी 17 अगस्त 1749 में इमदाद इमाम असर साहब पैदा हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। और सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, इमदाद इमाम असर की जाए पैदाइश कहाँ है। ठीक है दोस्तों,
ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी आगरा। तो इनका सही जवाब दीजिएगा आप लोग। इनका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, बिल्कुल दुरुस्त है, यानी कि पटना। और इनका सही जवाब वालेकुम अस्सलाम नाहिद परवीन, ठीक है। तो इमदाद इमाम असर की जाए पैदाइश पटना है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल दुरुस्त है। बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर चार के जानिब। इमदाद इमाम असर के वालिद मुहतरम के क्या नाम था आपको बताना है। इमदाद इमाम असर के वालिद का नाम, फादर का नाम, पिताजी का नाम, ऑप्शन ए वसीउद्दीन खान, ऑप्शन बी समीउद्दीन खान, ऑप्शन सी शरफुद्दीन खान और ऑप्शन डी वहीदुद्दीन खान। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर चार का, यानी क्वेश्चन नंबर चार का ऑप्शन डी वहीदुद्दीन खान। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त है और ज़किया नाज़ साहिबा का जवाब इसमें सही है, ठीक है। तो क्या दोस्तों वहीदुद्दीन साहब इमदाद इमाम असर के वालिद मुहतरम का नाम था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर पाँच के जानिब आप सभी के मोबाइल के ज़रिए से। और सवाल नंबर पाँच में पूछा जा रहा है इमदाद इमाम असर ने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। कहाँ से नहीं दोस्तों, किन से, क्या ये किन से है। इमदाद इमाम असर ने अपनी इब्तदाई तालीम किन से हासिल की है। आपके पास जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए मौलवी मोहम्मद मौलवी अहमद अली से, ऑप्शन बी मौलवी अख्तर अली से और ऑप्शन सी मौलवी सैयद अली से और ऑप्शन डी मौलवी अशरफ अली से। वालेकुम सलाम खुशबू परवीन साहिबा। तो इनमें आप लोग जवाब दें सवाल नंबर पाँच के अंदर में दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त है, यानी कि इमदाद इमाम असर के पहले उस्ताद हैं वो है दोस्तों मौलवी सैयद अली से। मौलवी सैयद अली से इमदाद इमाम असर ने तालीम हासिल की है। मौलवी सैयद अली इमदाद इमाम असर के उस्ताद हैं इब्तदाई ज़माने के। अब दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर छः के जानिब और आपके सामने सवाल नंबर छः और जवाब दें आप सभी अपने मोबाइल स्क्रीन के ज़रिए से। सवाल नंबर छः में पूछा गया इमदाद असर ने, यानी इमदाद इमाम असर ने वकालत का इल्म कहाँ से हासिल किया है, ये आपको बताना है। वकालत का इल्म नंबर छः में इमदाद इमाम असर ने वकालत का इल्म कहाँ से हासिल किया दोस्तों। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ और ऑप्शन सी बनारस और ऑप्शन डी पटना। तो इनका भी दोस्तों सही जवाब आप लोग दें, मतलब कि क्वेश्चन नंबर छः का लखनऊ। चलिए खैर मुझसे मिस्टेक है क्या सर कि सभी लोग बी दे रहे हैं इसमें, यानी इमदाद इमाम असर ने वकालत कहाँ से किया था दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम यास्मीन परवीन, मेरे पास जवाब ऑप्शन सी है, यानी दोस्तों बनारस से वकालत की डिग्री हासिल किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों, यानी कि वकालत से। हो सकता है मुझसे भी मिस्टेक हो लेकिन किताब देख के बताएंगे आप लोग। फ़िलहाल इमदाद इमाम असर ने वकालत की तालीम दोस्तों बनारस से हासिल किया था। चलिए सवाल नंबर सात की जानिब दोस्तों, इमदाद इमाम असर पटना कॉलेज में किस शोबे के उस्ताद रहे हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए अरबी फारसी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अंग्रेज़ी और ऑप्शन डी हिंदी। ठीक है दोस्तों, यानी इमदाद इमाम असर पटना कॉलेज में किस शोबे के उस्ताद रहे हैं। सवाल नंबर सात का आपको जवाब देना है और इनका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए है अरबी और फारसी के। ठीक है दोस्तों, इमदाद इमाम असर पटना कॉलेज में किस शोबे के उस्ताद रहे हैं, तो अरबी और फारसी के। ठीक है, याद रखिएगा इसका। आमना शाही साहब जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका, इस्तकबाल है और खैर मकदम करते हैं हम आपका तहे दिल से। चलिए सवाल नंबर दोस्तों आठ आप सभी के स्क्रीन पर, इमदाद इमाम असर के वालिद मुहतरम क्या थे आपको बताना है। ए मुहद्दिस, बी शायर और सी शायर व आलिम और डी यानी के फ़कीह। अब आपको बताइएगा कि क्या थे इमदाद इमाम असर के वालिद मोहतरम क्या थे। तो दोस्तों इनका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी के शायर थे। क्या थे दोस्तों, वालेकुम सलाम इस नाहिद साहिबा। इमदाद इमाम असर क्या थे दोस्तों, शायर थे। क्या थे, शायर थे। इमदाद इमाम असर एक शायर थे।
اب سوال نمبر 9 کے جانب، امداد امام اثر کے والد کا تخلص کیا تھا؟ امداد امام اثر کے والد تخلص کیا استعمال کرتے تھے؟ جواب نمبر 9 کا، سوال نمبر 9 کا آپشن اے آباد، آپشن بی آزاد، آپشن سی اخلاق اور آپشن ڈی آرزو۔ تو امداد امام اثر کے والد تخلص کیا استعمال کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو یعنی محی الدین آزاد، آپشن بی بالکل درست ہے دوستو۔ کیا ہے؟ آپشن بی بالکل درست ہے، یعنی کہ آزاد۔ کچھ لوگ سی دے رہے ہیں، سی نہیں ہے۔ تو دوستو کیا ہے؟ آپشن بی، یعنی کہ آزاد۔ چلیے بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 10 کے جانب، اور آپ سبھی کے اسکرین کے ذریعے سے، امداد امام اثر آرہ میں کیا کام کرتے تھے، کس کام سے منسلک تھے؟ آپشن اے تجارت، آپشن بی ڈاکٹری، آپشن سی وکالت، اور آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا اتنے کم لوگ جڑیں گے تو میں آج کلاس کراتا ہی نہیں، طبیعت خراب تھی آرام کرتا، لیکن سوچا کہ کافی لوگ جو ہیں کہ چلیے خیر، پھر بھی مرضی آپ سبھی حضرات کی۔ تو امداد امام اثر آرہ میں کیا کام کرتے تھے دوستو؟ ان کا صحیح جواب دیجئے گا آپ لوگ، آپشن سی بالکل درست ہے، وکالت سے منسلک تھے، وکالت کرتے تھے، یعنی کہ امداد امام اثر آرہ میں وکالت کیا کرتے تھے، یاد رکھیے گا آپ لوگ۔ ٹھیک ہے، چلیے سوال نمبر دوستو 11 کے جانب ہے، اور پوچھا جا رہا ہے امداد امام اثر ان میں سے کس کے ہم عصر تھے، کس کے ساتھی تھے، کس کے زمانے میں تھے؟ اے غالب کے زمانے میں، بی میر تقی میر کے زمانے میں، اور سی عاجز کے زمانے میں، یا پھر حالی کے زمانے میں۔ ہم عصر یعنی زمانے کو بولتے ہیں، ان کے زمانے ان کے ساتھ کے۔ تو امداد امام اثر ان میں سے کس کے ہم عصر تھے دوستو؟ تو یہ آپ کو بتانا ہے، آپشن نمبر ڈی بالکل درست ہے، یعنی الطاف حسین حالی کے ہم عصر تھے، زمانے میں تھے۔ امداد امام اثر، یعنی آپشن ڈی بالکل درست ہے دوستو۔ سوال نمبر 12 کے جانب چلتے ہیں دوستو، امداد امام اثر کے خطاب کو نشاندہی کیجئے، یعنی آپ کو بتانا ہے کہ امداد امام اثر کا خطاب کون سا ہے۔ آپشن اے میں نواب، آپشن بی میں سراج الدولہ، آپشن سی میں ملک الشعرا، اور آپشن ڈی میں حکیم الامت۔ 12 نمبر کا جواب دیں آپ لوگ، 12 کا سی خوشبو پروین، اور ایس ناہید 12 کا اے، اور عصمت پروین بھی 12 کا اے ہے، اور نور سما بھی 12 کا ڈی دے رہی ہے، اور ادا جعفری صاحبہ جڑ گئی ہیں، یہ آپشن سی دے رہی ہے، تحسین الدین صاحب کا اے ہے، ناہید پروین کا اے ہے، اور ٹھیک ہے دوستو ان کا صحیح جواب ہے دوستو نواب۔ کیا ہے دوستو؟ نواب۔ ٹھیک ہے، امداد امام اثر کا خطاب کیا ہے دوستو؟ نواب ہے۔ کیا ہے؟ نواب ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے دوستو، اگر آج ہو سکتا ہے کوئی ایک دو غلطیاں بھی ہو، اگر غلطیاں ہوں تو ہمیں بتانے کی زحمت کریں۔ تو سوال نمبر 13 میں دوستو پوچھا گیا، امداد امام کو نواب کے خطاب سے کب نوازا گیا ہے، اور آپ کو ان میں جواب دینا ہے۔ آپشن اے 1908 میں، آپشن بی 1909 میں، آپشن سی 1991 میں، اور آپشن ڈی 1911 میں۔ یعنی کہ دوستو 1909 میں امداد امام اثر کو نواب کے خطاب سے نوازا گیا تھا، 1909 میں دوستو۔ کب؟ 1909 میں۔ ٹھیک ہے، چلیے سوال نمبر 14 کی جانب بڑھتے ہوئے، امداد امام اثر کا انتقال کب ہوا ہے؟ آپشن اے یعنی کہ 17 اکتوبر 1931، آپشن بی 17 اکتوبر 1923، آپشن سی 17 اکتوبر 1933، چلیے، اور آپشن ڈی 17 اکتوبر 1934۔ تو ان کا صحیح آنسر کیا ہے آپ لوگ بتائیے گا، یعنی کہ امداد امام اثر کا انتقال کب ہوا ہے، بتانے کی زحمت کریں آپ لوگ۔ امداد امام اثر کے انتقال کب ہوا ہے دوستو، یہ آپ کو بتانا ہے۔ تو دوستو ان میں آپشن ڈی بالکل درست ہے، یعنی کہ 17 اکتوبر 1934 میں، 17 اکتوبر 1934 میں دوستو کیا ہوا تھا؟ امداد امام اثر کا انتقال ہوا تھا۔ ٹھیک ہے،
17 अक्टूबर 1934 में इमदाद इमाम असर का इंतकाल हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं सवाल नंबर दोस्तों क्या है, 14 हो गया है, 15 की तरफ चलते हैं, 15 की जानिब चलते हुए और आपके मोबाइल स्क्रीन पर दोस्तों सवाल है, मंदरजा ज़ेल इमदाद इमाम असर की तसनीफ़ कौन सी है, यानी इमदाद इमाम असर की जो तसनीफ़ है वो आपको बताना है, कौन सी किताबें लिखी है, ऑप्शन ए वाहियात, ऑप्शन बी तंज़ो तबस्सुम, ऑप्शन सी काशिफुल हकाइक, ऑप्शन डी नाम बनाम, यानी इनमें से इमाम असर की कौन सी किताब है ये आपको बताना है। और इसमें जो है कि नूर सभा का सी है, तहसीरुद्दीन साहब का सी है, इस्मत परवीन का सी, आमना शाहिद का सी, राहत फातिमा का सी, अबरार का ए। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त है, यानी इमदाद इमाम असर की जो किताब है और मशहूर किताब है, ऐसे तो बहुत सारी किताबें हैं लेकिन मशहूर किताब जो है वह काशिफुल हकायक है, इनको याद रखना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, इनके बारे में सवाल पूछा जाता है। अब आपके सामने सवाल नंबर 16 पूछा जा रहा है, ज़ेल में से कौन सी इमाम असर की तसनीफ़ नहीं है। पहले में आपको चुनना पड़ा कि इमाम असर की कौन सी किताब है, अब इनमें बताना है उनकी कौन सी किताब नहीं है, यानी कि दोस्तों कौन सी किताब इसमें नहीं है। ऑप्शन ए फसना ए हिम्मत, ऑप्शन बी किताबुल आसार, ऑप्शन डी केमियाए ज़राअत, और ऑप्शन डी यानी कि दोस्तों गोदान। तो इनका दोस्तों सही आंसर क्या है, 15 नंबर नहीं 16 नंबर का, तो 16 नंबर का दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और जो लोग कुछ लोग हैं, कौन है ये, तहसीरुद्दीन साहब का सी है, तो डी बिल्कुल दुरुस्त है, वालेकुम सलाम इशरत शमी, यानी कि गोदान। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी दुरुस्त है, यानी किताबुल आसार भी ये इनकी किताब में से है, ये किताबुल आसार नहीं बल्कि किताबुल असमार है, ये दोस्तों ये आसार नहीं है, किताबुल असमार है, ये क्या है, किताबुल असमार, टाइपिंग में मिस्टेक, लिखने में मिस्टेक है, क्या है दोस्तों ये किताबुल असमार, अस किताबुल असमार है, और फसाना हिम्मत भी है, केमियाए ज़राअत भी है, ये तीनों किताब किसकी है, इमदाद इमाम असर की है, और ये किताब नहीं है, और यही इस सवाल का जवाब है। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 17 की जानिब चलते हुए पूछा जा रहा है, इमदाद इमाम असर ने कितनी शादियां की थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, और ऑप्शन सी तीन, और ऑप्शन डी चार। तो इनका सही जवाब देने की जहमत करें, कोशिश करें, हिम्मत करें, इमदाद इमाम असर ने दोस्तों कितनी शादियां की थी ये आपको बताना है। तो इनका ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों, कितनी यानी के दो, कितनी शादी की थी दोस्तों, दो शादी करी थी इमदाद इमाम असर ने, दो शादियां की थी। ठीक है, और खैर, और इमदाद इमाम असर ने दो शादियां की थी, पहले शादी से दो बच्चे हैं, दूसरी शादी से 8 बच्चे हैं, और चलिए खैर अभी भी उसकी बात है, बाद में होती है। सवाल नंबर 18 की तरफ बढ़ते हुए पूछा जा रहा है, इमदाद इमाम असर ने दूसरी शादी कब की थी, ये की है कब की थी, ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1907, और ऑप्शन डी 1906। ठीक है दोस्तों, आपको जवाब देना है, इमदाद इमाम असर ने दूसरी शादी कब की थी दोस्तों, तो ये आपको बताना है, और इसका सही आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त है, और ये ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों, क्या है यानी कि इमदाद इमाम असर ने दूसरी शादी 1909 में की थी, कब की थी, 1909 में की थी। चलिए, और अब पूछा जा रहा है 19 नंबर सवाल में, इमदाद इमाम असर की कुल कितनी औलादें हुई हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6, बस आपको बताना है कितनी औलादें हैं, हमने इशारा पहले ही कर रखा था, बहुत अच्छा। तो इसमें जो है कि जवाब आना शुरू हो गया है, खुशबू परवीन, ज़किया, एस नाहिद, नाहिद परवीन, इस्मत, खुशबू, इशरत शाहिद, आमना, नूर सबा, चलिए खैर, राहत फातिमा, अबरार।
تو کیا ہے دوستو امداد امام اصل کی کل کتنی اولاد ہے دوستو؟ تو دو اولاد ہے. کتنی ہے؟ دو قطن سوری 10 اولادیں ہیں. پہلی شادی سے 2, دوسری شادی سے 8. چلیے سوال نمبر 20 کی جانب بڑھتے ہوئے, امداد امام اثر کے فلسفیانہ افکار و نظریات پر کون سی کتابیں لکھی ہے؟ ٹھیک ہے, تو امداد امام اثر کے فلسفیانہ افکار و نظریات پر کون سی کتابیں لکھی ہے یہ آپ کو بتانا ہے. یعنی کتابیں کئی طریقے لکھی ہیں اور یہ آپ کو بتانا ہے کہ فلسفیانہ افکار و نظریات پر کون سی کتاب لکھی ہے. تو ان میں آپشن اے مراعات الحکما, آپشن بی فسنا ہمت, آپشن ڈی کتاب الاسمار, اور آپشن سی اور فوائد دارین. ٹھیک ہے دوستو, ان کا آپ صحیح جواب دیں. تو ان کا صحیح جواب دوستو 20 نمبر کا آپشن اے, یعنی کہ یہ مراعات الحکما ان کا صحیح جواب دینے والے کون ہیں؟ اور ابرار ہے, آمنہ شاہد کا غلط ہے, عصمت پروین ہے, اور اسی طرح سے. چلیے بہت بہت شکریہ جواب دینے کے لیے دوستو. تو آپشن اے بالکل درست ہے, یہ کتاب کا نام بھی یاد رکھیں گے. سوال نمبر 21 کی جانب بڑھتے ہوئے دوستو, اور پوچھا جا رہا ہے, اور یہ سوال تمام کل کے ہیں, کل شام کا کلاس تھا لیکن چلا نہیں, تو اس لیے ابھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ابھی کا ہے وہ تیار ہے, طبیعت ساتھ نہیں تو انشاءاللہ شام کو کرایا جائے گا. 21 نمبر میں امداد امام اثر کے ناول کے نام بتائیے. امداد امام اثر نے ناول بھی لکھا تھا, اس کا نام بتانا ہے آپ کو. آپشن اے مصباح الظلم, آپشن بی کتاب الجواب, آپشن سی فسنا ہمت, اور آپشن ڈی ان میں کوئی نہیں. ٹھیک ہے دوستو, امداد امام اثر کے ناول کے نام بتائیے. مصباح الظلم, کتاب الجواب, فسنا ہمت, یا پھر ان میں سے کوئی نہیں. تو دوستو ان کا جواب آپشن سی بالکل درست ہے, اور دیکھتے ہیں سی دینے والے ہیں کوئی تو اس میں سے. ٹھیک ہے, راحت فاطمہ کا سی ہے, آمنہ شاہد کا سی ہے, خوشبو کا بھی سی ہے, اور نور صبا کا بھی سی, ناہید کا, تحسیر الدین کا. شکریہ آپ کا. اور تو دوستو کیا ہے امداد امام اثر کے ناول کے نام کیا ہے؟ فسن اے ہمت, اس چیز کو یاد رکھیے گا. اگلا سوال 22 نمبر میں دوستو پوچھا جا رہا ہے, امداد امام اثر کے رد عیسائیت پر کتاب لکھا ہے امداد امام اثر نے. تو کون سی کتاب ہے یہ آپ کو چننا ہے؟ اے مصباح الظلم, اور بی فوائد دارین, اور سی کتاب الجواب, اور ڈی ان میں سے کوئی نہیں. 22 نمبر کا دوستو صحیح جواب دینے کی آپ لوگ کوشش کریں. ٹھیک ہے, تو 22 نمبر کا دوستو صحیح جواب تک کسی نے دیا نہیں ہے, بس آ گیا جواب, ایک شخص نے جواب صحیح دیا ہے, آپشن بی بالکل درست ہے. عصمت پروین کا, ابرار کا, راحت فاطمہ کا, ایس ناہید کا, ناہید پروین کا, عصمت پروین, آمنہ شاہد, تحسر الدین صاحب کا جواب غلط ہے. تو فوائد دارین, امداد امام اثر کے رد عیسائیت پر کون سی کتاب ہے؟ تو فوائد دارین ہے رد عیسائیت پر. کم از کم نام پہ بھی غور کر لیا کریں تو آپ کو جواب سمجھ میں آ جائے گا. چلیے یہ یہاں تک کلیئر ہے. اگلا سوال, نو صبا پروین, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے, تو سوال نمبر 23 کی جانب, امداد امام اثر کے شیعی یعنی شیعہ جو لوگ ہیں, تو شیعی عقائد پر کون سی کتابیں لکھی ہیں؟ آپشن اے کتاب الجواب, آپشن بی مصباح الظلم, اور آپشن سی کیمیائے زراعت, اور آپشن ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں. بس آپ کو بتانا ہے کون سی کتابیں لکھی ہے اس نے امداد امام اثر نے شیعہ عقائد کے اوپر. ٹھیک ہے, اور آپشن بی دینے والے عصمت پروین ہیں, زکیہ ناز ہے, اور بھی ہیں, ابرار صاحب ہے, ناہید پروین ہیں. تو شکریہ دوستو, آپشن بی بالکل درست ہے, یعنی امداد امام اثر کے شیعی عقائد پر جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے, وہ کتاب کا نام ہے مصباح الظلم. ٹھیک ہے دوستو, یاد رکھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کے. تو 24 نمبر میں دوستو پوچھا جا رہا ہے, امداد امام اثر کے زراعت پر مشتمل کون سی کتابیں ہیں؟ ٹھیک ہے, امداد امام اثر کے زراعت پر مشتمل کون سی کتاب ہے؟ آپشن اے کیمیائے زراعت, آپشن بی کتاب الاسمار, آپشن سی فسانۃ ہمت, اور آپشن ڈی ان میں سے کوئی نہیں. چلیے شکریہ جواب دینے کے لیے, ان کا لوگ کچھ لوگوں نے جواب دیا. امداد امام اثر کے زراعت پر مشتمل دوستو کون سی کتابیں ہیں؟ آپشن اے زکیہ ناز,
और ज़किया नास ए और आमना बी और इसी तरह से नाहिद का भी ए है, उसबू भी ए है, तहसीरुद्दीन का और अबरार का। और ठीक है, शुक्रिया। तो इमदाद इमाम असर ज़राअत के मुश्तमिल कौन सी किताबें लिखी थी? कीमियाए ज़राअत, क्योंकि यहाँ ज़राअत है तो आपके लिए ये भी आसान है। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल की जानिब बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर सवाल है और पूछा जा रहा है इमदाद इमाम के शीई पस मंज़र में कौन सी किताब है। इमदाद इमाम के यानी इमदाद इमाम असर के शिया, तो शिया के पस मंज़र कौन सी किताबें हैं? ऑप्शन ए किताबुल जवाब, ऑप्शन बी किताबुल अहकाम, ऑप्शन सी शरीयतुल अहकाम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब इनका भी सही जवाब दें। 25 नंबर का ऑप्शन ए यानी कि किताबुल जवाब नाहिद परवीन का, इस्मत परवीन का ऑप्शन ए यानी कि किताबुल जवाब, और कोई इनके साथ में देने वाले? अच्छा जी, नौशबा परवीन का, एस नाहिद का, तहसीरुद्दीन का, ज़किया नास का और इस्मत परवीन का। ठीक है, आप लोगों का जवाब सही है माशाल्लाह। आमना शाहिद भी है, नौशबा का जवाब गलत है, राहत का जवाब गलत है। तो दोस्तों किताबुल जवाब क्या है? दोस्तों किताबुल जवाब इमदाद इमाम असर के शीई पस मंज़र में कौन सी किताबें लिखी है? किताबुल जवाब के नाम से शीई अकायद यानी शीई अकायद के मुताबिक अगर बोले आपसे तो आपका किताब का नाम दूसरा होना चाहिए, मिसबाहुल ज़ुल्म। और अगर पूछा जाए कि दोस्तों के शीई पस मंज़र, तो पस मंज़र में किताब का नाम किताबुल जवाब होना चाहिए। शीई अकायद पर मिसबाहुल ज़ुल्म और शीई पस मंज़र पर किताबुल जवाब। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज का इमदाद इमाम असर का सवाल जवाब 25 जो आपने हल किया है। बस आप लोग दुआ करें हमारे लिए और जल्दी से हिंदी उर्दू का जवाब दें। जिन लोगों ने अब तक PDF नहीं मंगाया है, इल्मे उरूज़, इल्मे बलागत, इल्मे फसाहत का मंगा लें, उर्दू हिंदी इस्तलाहात का मंगा लें। और दोस्तों इसी तरीके से तमाम तर चीज़ों का PDF मंगा लें जो आपके लिए बेहतर रहेगा। बस आपको जवाब देना है दोस्तों, जो लोग GK के साथी हैं वो GK के PDF मंगा लें जो आपके लिए ज़रूरी रहेगा। कमज़ोर का हिंदी क्या होगा ये आपको बताना है नाहिद परवीन। ठीक है, तो कमज़ोर का हिंदी आप लोग बताएं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ गया होगा, जल्दी से करें क्योंकि कमेंट आपका लेट आ रहा है। एक होता है ताकतवर, एक होता है बेकुव्वत और एक होता है कुव्वत। और कमज़ोर, दुर्बल, मोटा, पतला, नूर सबा कहते हैं सर उन्होंने शी अकायद पर इतनी किताबें लिखी है वो इस अकायद के थे क्या? अच्छा चलिए, खैर तो कमज़ोर का लोग दे रहे हैं क्या जवाब? दुर्बल, यानी कमज़ोर का दुर्बल होता है। और दोस्तों असल ऐसा है शक्ति, हम लोग क्या लिखते हैं? शक्ति लिखते हैं। शक्ति के माने क्या होता है दोस्तों? शक्ति लिखते हैं ना, शक्ति लिखते हैं दोस्तों। क्या लिखते हैं? शक्ति। तो शक्ति के माने क्या होता है? ताकतवर होता है। तो अब जो है कि कमज़ोर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दुर्बल। ठीक है, तो इसी जगह पे ये ऐसे रहने दीजिए, यहाँ लग जाएगा निशक्ति। क्या लगता है दोस्तों? नी, तो ये होता है फिर निशक्ति। ये भी इस्तेमाल होता है, शक्तिहीन भी होगा और निशक्ति भी होगा, याद रखिएगा। कमज़ोर का ये भी होगा, निशक्ति भी होगा, शक्तिहीन भी होगा, निशक्ति भी होगा, याद रखिएगा। ये मुझे किताब में मिला है और जगह मैंने देखा तो मुझे मिला है। तो कमज़ोर का तर्जुमा शक्तिहीन भी होता है और निशक्ति भी होता है। ये मैंने लिख के इसलिए बता दिया आपको कि मैंने इसको शायद यहाँ शामिल नहीं हुआ है, वो यहाँ छूट गया PDF शामिल करने में। चलिए, तो सवाल नंबर, वो सवाल को छोड़िए, बताइए इंतहाई, ये उर्दू लफ्ज़ है इंतहाई, मुझे बे इंतहा, इस इंतहाई गलत काम है ये, हैं इंतहाई ज़ालिमाना सलूक है इस सरकार का। तो ये इंतहाई हद को पार कर देना, तो इंतहाई का हिंदी तर्जुमा क्या होगा? कहते हैं बहुत अधिक, अकेलेपन, अंतिम, अत्यंत, अच्छा अधिक, अच्छा जी ठीक, खुशबू परवीन और इस्मत परवीन और नौशबा आमना शाहिद एस नाहिद। चलिए, तो खैर शुक्रिया जवाब देने के लिए दोस्तों। तो इनका जवाब आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर है। एक तर्जुमा ये होता है नितान, तो याद रखिएगा
ये हिंदी शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, वरना आप जवाब सही देते। क्या होता दोस्तों, नितांत भी होता है, इंतहाई का हिंदी होता है नितांत। क्या होता है नितांत? चलिए जल्दी कीजिएगा। तो ये हमें मिला है आपकी किताबों में और जगह पे भी सही जवाब है, लेकिन ये इंतहाई को हिंदी में नितांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नितांत, ठीक है। चलिए हसबे कानून, क्या बोलते हैं दोस्तों? हसबे लियाकत, हसबे मौका, हसबे मामूल। तो ये इसी तरीके से है हसबे कानून, ठीक है। अब हसबे कानून तो मालूम है, रोज़ाना की तरह हसबे मामूल, हसबे कानून कानून की तरह, हसब वाक़िया और वाक़िया की जैसे। तो ये अब आपको बताना है हसब कानून का हिंदी तर्जुमा क्या होगा। हसब कानून उर्दू नजम निगार नसर निगार में इस्तेमाल होता है, इसका तर्जुमा आपको करना पड़ेगा। तो आप हसब कानून का क्या तर्जुमा करेंगे, आप जल्दी से बताइएगा। तो हसब कानून का जवाब आप लोगों ने अभी तक नहीं दिया है, तो ये है दोस्तों हसब कानून का नियम अनुसार बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं नियम अनुसार। हसब कानून को नियम अनुसार बोलते हैं। बड़ा ही आसान था तर्जुमा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक हो गए। तो क्या दोस्तों, विधि अनुसार नियम अनुसार ये भी ठीक है। तो नियम अनुसार या फिर विधि अनुसार। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, नियोग पत्र, क्या पूछा गया दोस्तों? नियोग पत्र का उर्दू अनुवाद क्या होगा? नियोग पत्र, ठीक है। बहुत थोड़ा सा आज चूँकि सवाल जवाब था और थोड़ा सा हिंदी है, बस जल्दी से कर लें, तबीयत साजगार इंशाल्लाह हो जाएगा तो फिर करेंगे। तो नियोग पत्र का हिंदी आप लोगों ने दिया नहीं है अब तक, किसी का भी जवाब नहीं आया है। नियम अनुसार तो सभी का आ गया, नाहिद का, खुशबू का, सद्दाम हुसैन का और आमना शाहिद का। और दोस्तों एक बार लाइक ज़रूर करें, क्या कहते हैं, मुलाजिमत खत उर्दू, अच्छा मुलाजिमत खत, अच्छा ठीक है, और बहाली नामा, ठीक है। और ये है दोस्तों सही उर्दू, जिसको बोलते हैं तकर्रुर नामा। क्या बोलते हैं नाहिद साहिब आप? तकर्रुर नामा, क्या बोलते हैं? तो का तकर्रुर नामा, ठीक है। नियोग पत्र का दोस्तों हिंद उर्दू तर्जुमा होता है तकर्रुर नामा, ठीक है। कहते हैं कि मुलाजिमत नामा, नियोग पत्र कहते हैं मुलाजिमत नामा। कौन है? एश नाहिद, इसमत परवीन, तहसीरुद्दीन साहब का सर नहीं चल रहा है, आमना शाहिद कहते हैं मुलाजिमत। तो जी शुक्रिया जवाब देने के लिए, लेकिन एक जवाब मैंने भी आपके स्क्रीन पर दिया है, आप देखिए ये है तकर्रुर नामा। क्या है दोस्तों? तकर्रुर नामा। अब आइए चलते हैं डिस्चार्ज इखराज, क्या दोस्तों? डिस्चार्ज और इखराज का हिंदी तर्जुमा क्या है? आपको अब जवाब दो जल्दी से। तो डिस्चार्ज बोलते हैं, आज जो है कि इस मरीज़ का इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना है, ठीक है, या फिर इखराज होना है, तो डिस्चार्ज को छुट्टी बोलते हैं। चलिए खैर, कौन कहते हैं? चांद मोहम्मद, शुक्रिया है चांद मोहम्मद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं, इससे पहले हमने कभी आपको नहीं देखा था, और तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हैं। आप इसी तरह जुड़ते रहें, अपने दोस्तों को जोड़ते रहें, मेहनत से पढ़ते रहें, कामयाबी हासिल करते रहें। तो डिस्चार्ज या इखराज का हिंदी एक तर्जुमा दीजिएगा आप लोग हिंदी। चलिए थोड़ा सा और कोशिश करें, हिंदी तर्जुमा थोड़ा सा इसका बताएं आप लोग। ये तो हम लोग जो बोलते हैं ना मुक्ति, छुट्टी कहती हैं नूर सभा, कहते हैं मुक्ति। चलिए तो ये है दोस्तों निलंबित, कहते तहसीरुद्दीन साहब, निकालना या निकाल, ये है निर्वहन। क्या है दोस्तों? देखिए निर्वहन बोलते हैं इसको, ये हिंदी देख लीजिए, शायद कि आप लोगों के लिए नया है, ठीक है। डिस्चार्ज या इखराज, बस सभी दोस्तों से दरख्वास्त है जब आप लोग जाने लगें तो कम से कम बैक जा करके एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऑफलाइन देखने वाले कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों तमाम साथियों को जोड़ने की कोशिश करें। हर किसी के पास एक एक ग्रुप है, हर किसी के पास नंबर से, हर किसी के पास साथी है, फैमिली है, मोबाइल है, जितने फैमिली है उतने मोबाइल है, तो फिर सब्सक्राइबर कम क्यों हैं और आपके मेंबर कम क्यों हैं, ये आपको फिक्र करना है। अपना चैनल समझकर, अपनी क्लास समझकर आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो चलिए खैर, ये हो गया डिस्चार्ज या इखराज, इसका हिंदी होता है निर्वहन, ठीक है दोस्तों।
शुक्रिया जवाब देने के लिए इनका जवाब नाहिद परवीन। खैर तो डिस्चार्ज का हिंदी क्या होता है? निर्वहन होता है, ये याद रखिएगा। ये हिंदी मेरी उम्मीद से आपकी आंखों के सामने कभी नहीं आई होगी, आज पहली बार है। चलिए निर्लज्जता का हिंदी तर्जुमा क्या होगा, जल्दी से बताने की जहमत करें। निर्लज्जता, ठीक है। अब देखिए मैं उन चीज़ों को ढूंढ के लाता हूँ जो शायद कि आप लोगों के लिए ज़रूरी हो, जो वर्ड मीनिंग में सामने से नहीं गुजरी है। बाकी आप लोग तो कॉलेज वाले हैं और जब आप लोग मालूम होगा। अमायरा आफ्ताब कहती हैं, सर आज आप मेरा नाम एक बार भी नहीं लिए हैं। चलिए नाम ले लिए आप, अगर मेरे नाम लेने से आपकी हौसला अफजाई होती है, आपके हौसला बुलंद होते हैं, तो नाम लेने में क्या हर्ज है। मैं तो चाहता ही हूँ कि आप कामयाब हो जाए। निर्लज्जता का दोस्तों उर्दू अनुवाद क्या होगा, ठीक है। कहते हैं नौसबा परवीन की बेशरम, और तहसीरुद्दीन कहते हैं बेहया, खुशबू कहती हैं बेइज्जती, राहत कहते हैं बेशरम, और अमायरा बेशरम, बेशर्मी, ठीक है नाहिद का। और इसी तरीके से बहुत अच्छा जवाब मिल गया दोस्तों। निर्लज्जता का तर्जुमा होता है बेशरम, बेहया, बेशर्मी, बेगैरती, ये सब सारे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर में। बेशरम भी, बेहया भी, बेगैरत भी, ठीक है, तो बेइज्जत भी। सर नाम लेने से मतलब है कि ये क्लास करने से, ठीक है। चलिए खैर, तो तसरुद्दीन साहब कहते हैं नाम लेने से मतलब है या फिर क्लास करने से, चलिए खैर, तो समझ समझ का फ़र्क है। निर्लज्जता का दोस्तों क्या है, बेशरम या फिर बेहया, या फिर बेशर्मी, या फिर बेहयाई, या फिर बेइज्जती, या फिर बेगैरती, तो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू मुतरादिफ अल्फाज, ठीक है। अब आपको बताना है जलील और रजील। देखिएगा ये चीज़ें मैं इसलिए ढूंढ के आप लोगों को लाया हूँ, मज़मून निगारी में ख़ास कर ये चीज़ें काम आएगा। ये उर्दू में बहुत बोला जाता है लेकिन हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट है। अब जलील तो उर्दू दाँ भी हिंदी दाँ भी लोग जलील ही बोलते हैं, रजील ही बोलते हैं, लेकिन चलिए जब हमें लिखना पड़ेगा तो फिर आपको बताना पड़ेगा। जलील कहते हैं रुसवा और रजील का, और अमायरा आफ्ताब कहती हैं शर्मिंदा, ठीक है। तो जलील और रजील का तर्जुमा आप लोग बता दें, मेहरबानी होगी। और थोड़ा सा तो और हिम्मत करें आप लोग, सर आप लोग बैग होने के वीडियो को लाइक ज़रूर कर जाएं, ठीक है, शुक्रिया। तो दोस्तों जलील और रजील का हिंदी तर्जुमा होता है दोस्तों पतित, एक ही तर्जुमा है ये, देखिए हिंदी का, ये शायद हिंदी आपके सामने नहीं आया होगा मेरे ख्याल से। निर्लाज और कहते अपमानित और सरलज्जित, ठीक है। एक तर्जुमा मैं आपके सामने और दिया हूँ जिसे बोलते हैं पतित, ये भी हिंदी है शायद कि ये मुतरादिफ अल्फाज हो जो आप बता रहे हैं, लज्जित, अपमान, अपमानित, पति, तो जलील और रजील, ठीक है। अपमान में थोड़ा सा फ़र्क है और ये याद रखिएगा, पतित, जलील और रजील। इसमें तो कहती है कैसे कैसे वर्ड हैं, बस ऐसे ही वर्ड है जैसे आपने छोड़ रखा है, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए तो सारे जो है कि जुमले अच्छे हैं फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी था, मैं इसी तरीके से इंशाल्लाह नया लाने की कोशिश करूँगा, बस दुआ कीजिए तबीयत थोड़ी सही हो जाए तो फिर इंशाल्लाह अच्छा लाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए मुसाफिर क्या है, ये मुसाफिर, अब कोई बताइएगा मुसाफिर का हिंदी क्या होता है, ठीक है, मुसाफिर का हिंदी क्या होता है। जी शुक्रिया तहसीरुद्दीन साहब, और सद्दाम हुसैन कहते हैं पतित, जी तो पतित का दोस्तों हिंदी तर्जुमा क्या होगा ये बताएं। पतित का यानी सॉरी मुसाफिर का हिंदी तर्जुमा क्या होगा, मुसाफिर, चांद साहब कहते हैं यात्री, अच्छा नहीं यात्री तो है मुझे मालूम है, सभी को मालूम है यात्री यानी मुसाफिर, लेकिन एक माने और दीजिए ना मुझे, यात्री को छोड़कर और दीजिए मुझे, यात्री को भूल जाइए कि यात्री भी मुसाफिर के माने में आता है, लेकिन चलिए पर्यायवाची शब्द मुझे और दे दीजिए, यात्री को छोड़ करके, यात्री को छोड़ करके, राहगीर तो दोस्तों उर्दू है, ये खुशबू निजामी साहब कहती हैं राहगीर, राहगीर तो वो उर्दू है, तो कोई और बता सकता है मुझे, रहदारी ये भी उर्दू ही है, यात्री, यात्री नहीं चाहिए मुझे, यात्री खर्च चाहिए ही नहीं, यात्रा, यात्री, ठीक है। तो अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ये अबरार साहब कह रहे हैं, लेकिन क्या करें कोई तो करने वाला हो, चलिए आप सभी की अपनी अपनी ज़मीर है,
जिसका ज़मीर जो गवाही दे। एक साहब का जवाब सही आया था जिसका नाम था नूर सबा। ये कहती थी सर पथिक तो जवाब सही है। उनका जवाब इतने लोगों में सिर्फ नूर सबा साहिबा का जवाब सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है पथिक, ये याद रखिएगा। तो एक माने और भी होता है घूमने वालों के नाम, मुसाफिर के नाम, यात्रा करने वालों के नाम, ठीक है दोस्तों, पर्यटकों के नाम। तो मुसाफिर क्या है दोस्तों, मुसाफिर का उर्दू होता है पथिक, और ये कौन हिंदी होता है पथिक, और ये कौन है अनसार आलम का पीटी होगा कि नहीं भाई, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, आते ही पहले मित्तला करेंगे। हम लोग भी वही गौर करके बैठे हैं जहां आप बैठे हुए हैं, हम लोग कोई उसके अंदर के आदमी नहीं हैं जो हमें पता होगा। हम लोग भी आप जैसे ही हैं, बस थोड़ी सी फिक्र कर ली हमने आप लोगों के लिए, तैयारी कर लें, बाकी अंदर की बात तो सर अंदर ही जानते हैं, हम लोग क्या जानने गए। ठीक है चलिए, तो सद्दाम हुसैन कहती हैं चर सफ़रदार और राहत हूँ मैं, हमारे आफ्ताब कहती हैं राहत हूँ राहत हम नहीं हैं। चलिए खैर पता नहीं क्या कह रही हैं आप। तो चलिए अगले सवाल, परंपरागत का आपको उर्दू बताना है, जल्दी से बताइएगा परंपरागत का उर्दू क्या होगा। ठीक है तो परंपरागत का आमीन कौन है, सद्दाम हुसैन साहब दुआ देते हैं आपको खुदा जल्दी ठीक करें, आमीन आमीन। तो परंपरागत का दोस्तों उर्दू अनुवाद क्या होगा, जल्दी से बताने की जहमत करें। और रिवायती, ठीक है एक जवाब मुझे मिल गया है इस्मत परवीन का, एक रवार और रस्म व रिवाज कहते हैं खुशबू निजामी साहब का, ए आर रहमान कहते हैं सिलसिले बार, यह गलत है। इस्मत परवीन कहती हैं रिवायती, चलिए ठीक है थोड़ा सा। अबरार साहब कहते हैं रस्म, ये भी ठीक है। और यामीन और नूर सभा कहती हैं चलिए खैर, और नूर सभा रिवायती, चलिए रस्म व रिवाज रिवायती सॉरी लिखने, चलिए खैर और कोई, ठीक है। तो शुक्रिया दोस्तों, ये क्या है दोस्तों परंपरागत को तर्जुमा होता है खानदानी, रिवायती खानदानी, रिवायती मौरूसी। क्या होता है दोस्तों परंपरागत तर्जुमा होता है खानदानी, रिवायती मौरूसी। ठीक है परंपरागत, परंपरागत रिवायती मौरूसी क्या होता है दोस्तों परंपरागत का। चलिए खैर जवाब सही है आपका, शुक्रिया जवाब देने के लिए सभी दोस्त का। आइए अगला जवाब दोस्तों आपको देना है न्यायवादी। ठीक है जल्दी करें, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे थोड़ी देर टाइम लूँगा बस। तो न्यायवादी का उर्दू अनुवाद क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है जल्दी करेंगे दोस्तों, क्या है न्यायवादी का उर्दू अनुवाद क्या है, अभी तक किसी का जवाब सही नहीं आया। कहते हैं कि मुनसिफ। और दोस्तों देखिएगा ये भी लफ्ज़ आपके सामने शायद के नहीं है, और इनके माने होता है वकील। न्यायवादी के भी माने वकील होता है। एक आपने पढ़ा है अधिवक्ता, जिसे बोलते हैं वकील। क्या बोलते हैं दोस्तों अधिवक्ता, और अधिवक्ता को क्या बोलते हैं वकील बोलते हैं। क्या बोलते हैं वकील। और एक न्यायवादी है, इसे भी वकील बोलते हैं दोस्तों। क्या है न्यायवादी को भी वकील बोलते हैं। ठीक है ध्यान रखिएगा चीज़ों को, न्यायवादी को भी वकील बोलते हैं। चलिए बस थोड़ा सा एक और, बहिष्कार का उर्दू अनुवाद किया, जल्दी से बताइएगा, फिर इंशाल्लाह मैं मुलाकात शाम के वक्त में तबीयत सही रही तो अगली मौजू के साथ। ठीक है जी चांद अहमद हजरत, आप डेली कितने बजे आते हैं। रोज़ाना के सुबह 10 बजे, शाम के 7 बजे क्लास चलता है ऑनलाइन। तो बहिष्कार का दोस्तों उर्दू अनुवाद क्या होगा ये आप बताने की कोशिश करें, बहिष्कार का। अब तक किसी ने जवाब नहीं दिया है बहिष्कार। ठीक है तख्लीक खारिज, बहिष्कार का तर्जुमा होता है दोस्तों बायकाट। क्या होता है बायकाट। ठीक है तो दोस्तों बहिष्कार का तर्जुमा होता है बायकाट, याद रखिएगा बहिष्कार हिंदी लफ्ज़ है और इसका तर्जुमा होता है बायकाट। खारिज भी बोल सकते हैं लेकिन एक बायकाट के माने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है बहिष्कार का। चलिए खैर इस नाही सभी ने खारिज खारिज दिया है, तो अभी आपके सामने शायद के जवाब नहीं आया है। तो बहिष्कार का तर्जुमा होता है बायकाट, तहसीरुद्दीन साहब का जवाब सही है। तो ये याद रखिएगा बहिष्कार करना यानी कि बायकाट करना। हम CAANCRMPR की बायकाट करते हैं, तो इस तरीके से बोला जाता है बहिष्कार यानी कि बायकाट।
ठीक है दोस्तों, ये है हमारा नंबर, आप सभी के पास मेरा नंबर होना ज़रूरी है मोबाइल के अंदर में, किसी मसले में गुफ्तगू के लिए, पीडीएफ मसले में बात करने के लिए, क्लास के टाइम के लिए, अपने सुझाव देने के लिए। कैसा रहा दोस्तों आज का क्लास, ये हमें फीडबैक ज़रूर दें। और दोस्तों शाम के 7 बजे जुड़ने की कोशिश करें, मेरे लिए दुआ करें। और जीके का पीडीएफ, उर्दू कवायद का पीडीएफ, इल्मी उरूज, इल्मी बलागत का पीडीएफ, और दोस्तों तो तमाम चीज़ों का, सवाने हयात का पीडीएफ सभी तैयार है, तो आप लोग मंगा सकते हैं। ठीक है, आमना शायद कहते हैं बायकॉट तो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, लेकिन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। उर्दू एक ऐसा लफ्ज ज़बान है जो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, फारसी सभी उसमें शामिल है, तो यह बायकॉट उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज था आज का क्लास आप सभी के सामने, कैसा लगा बताने की कोशिश करें। जो ऑफलाइन देखते हैं वो भी कमेंट करें और तमाम दोस्तों को जुड़ने की कोशिश करें। दीजिए हमें इजाज़त, दुआ कीजिए हमारे लिए। अल्लाह हाफिज़।